हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। तीन मूवीज के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे PS1 के बारे में, फिर बात करेंगे विक्रम वेदा के बारे में, और सबसे ज्यादा बात करेंगे कंतारा के बारे में। अब ये कैसे प्रनाउंस करते हैं कंतारा, काफी लोग मुझे टोक चुके हैं, बट जो भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते होंगे क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छा कर रही है। पहले हम बात कर लेते हैं इसी की, कांतारा की, जो Day 4 में बहुत अच्छा बिजनेस करते हुए सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में 4.5 करोड़ रुपए क्लॉक किया है। और कल तक का जो बिजनेस था वो सिर्फ 14 करोड़ रुपए था, लेकिन लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, उन्होंने बोला कि हमें और कोई लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है, हम इसको पहुँचा देंगे 18.5 करोड़ रुपये पे आज। और बहुत अच्छी बात यह है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मूवी नहीं है, तो उसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो भी 24 करोड़ हो गया है। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि इसके बिजनेस एनालिसिस के ऊपर होगा। यूजली हम हर एक मूवी के ऊपर बनाते हैं, इसके बारे में मैंने अभी तक बनाया नहीं है कि किस स्टेज के ऊपर ये हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या एवरेज होगी। हालांकि जिस तरीके के इसके नंबर जाने हैं तो वो हिट, सुपर हिट के स्टेज पर तो ये पहुंच ही जाएगी। ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं होगी उसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे ज़रा यस लिख के कॉमेंट बॉक्स में डाल देना। दूसरी ओर अगर हम देखें विक्रम वेदा के बारे में Day 4 के अंदर, देखो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि अगेन किस स्टेज के ऊपर ये हिट, सुपर हिट या अपने पैसे रिकवर कर पाएगी। अब जिस स्टेज पे ये आज है बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपने कॉस्ट ढंग से रिकवर कर पाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेकिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेकिंग कॉस्ट जो भी हो पैसे रिकवर कर लेते हैं आजकल OTT म्यूजिक बहुत सारी चीज़ों से, वो वीडियो आप रेफर कर लेना चैनल के ऊपर जाओगे तो। बट आज इसने 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, विच इज अगेन कंसिडरिंग अ मंडे इट इज स्टिल डिसेंट, लेकिन कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ दिस मूवी इट इज नॉट गुड, कंसिडरिंग दैट इज गॉट ऋतिक रोशन इट इज नॉट गुड, कंसिडरिंग दैट पीपल हु हैव वॉच्ड दिस मूवी देव गॉट ऑल द प्रेजेस इन दिस वर्ल्ड बट स्टिल इट हैजंट पिक्ड अप दैट वेल, ओनली वन रीजन बिकॉज इट्स अ रीमेक सो टू से। तो 37 करोड़ कल तक था, आज हो गया 43 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड जो था वो 64 करोड़ था कल तक, आज हो गया 70 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ तक तो पहुंच जाएगा, उसके बाद मुश्किल है। बाकी PS1 के बारे में मैं डिटेल वीडियो एक और बना चुका हूं, बट समरी में इस वीडियो में भी बता देता हूं कि ये पोनियन सेल्वन Part 1 अनस्टॉपेबल है, बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। कल तक जब हम बात करेंगे ये 300 करोड़ ओवरऑल बेसिस पे कमा चुकी होगी, और सिर्फ 3 दिन के बिजनेस के अंदर ही ये 100 करोड़ पार कर चुकी थी। और इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि इसका एक मैजिकल सा नंबर है, 100 करोड़ क्रॉस करे आज 131 करोड़ इसके नेट हो गए हैं, 153 करोड़ इसके ग्रॉस हो गए हैं, 260 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो गए हैं। कल जब बात करेंगे तो 300 भी क्रॉस हो जाएगा, तो ये हिट सुपर हिट की कैटेगरी में ऑलरेडी आ रही है। कांतारा भी सुपर हिट कैटेगरी तक पहुंच जाएगी, विक्रम वेदा थोड़ा सा मुश्किल है, हद से हद ये बिलो एवरेज हो पाएगी अगर ठीक ठाक रन चलता रहा, क्योंकि अगले हफ्ते भी कोई बहुत बड़ी रिलीज नहीं है। तो आपको कैसा लगा ये सारा अपडेट? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और कल फिर से जुड़ जाना, क्योंकि ऐसा अपडेट हर रात को हम एक समरी तो लेके आते हैं कि सारे दिन की प्रतिक्रिया बॉक्स ऑफिस पे क्या रही। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।